फ्रिक्शन। सबसे पहले तो है ना फ्रिक्शन जो है ना वो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई इफेक्ट जनरेट होती है। आपने बोला वो इफेक्ट है अपोजिंग फोर्स, जो मोशन का अपोज करता है उसी का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टीज है, वो क्यों होती है सबको मालूम है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट टू ईच अदर एट दैट टाइम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में आया है, तो माइक्रो लेवल पे देखें तो यहां पे जो एटम्स होंगे, एटम्स उसके गैप में ये खींच जाएगा अलग अलग एक दूसरे के गेट में चला जाएगा। लाइक दिस कंडीशन, ये कुछ नहीं है ऐसे ही चला गया, कुछ अपोज नहीं हुआ, बट ऐसे इकट्ठा है ऐसे, इसका अपोज होता है। देखो ये फिंगर्स उसके अपोज करेगी मोशन। रजिस्टिंग फोर्स मतलब जब हम लोग मोशन कर रहे, ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, बस हमारे फोर्स का अपोज होता है उसके अंदर। सरफेस ड्यू टू द सरफेस फ्रिक्शन लगता है, एक दूसरे के खांच में एक दूसरे के अंदर आ जाता है, इसलिए ये पोर्शन होता है फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोग देखने जाए तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन वो एक प्रॉपर्टीज है, वो कैसे लगता है तो मैं आपको बता दूं। अपोजिंग फोर्स उसका नाम क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर सेपरेट। फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज हैं, उसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको आप स्मॉल एफ से डिनोट करो, यूनिट न्यूटन ही होगा, डोंट वरी, यूनिट न्यूटन ही होगा। क्लियर, थोड़ी आवाज क्लियर आई होगी अब। तो कहने का मीनिंग ये है बच्चे लोग कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन दे तो ये फोर्स कैसे लगेगा। हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट कहां लगेगा, यहां पे लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट टू द मोशन एंड पैरेलल टू द सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे स्लोप पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोज और पैरेलल टू द सरफेस। तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये पैरेलल सरफेस नहीं होगा, ये पैरेलल टू सरफेस होगा। तो कहां पे कौन सा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको देखो एक बार। दूसरी बात, मैंने ये भी बोला था कि ऑलवेज है ना फ्रिक्शन से दो चीज जनरेट होगी, नॉट ओनली फ्रिक्शन फोर्स। मैंने चलो इस पेन को यहां पे रखा, तो जब रखते हो तो एक रिएक्शन जनरेट होगी कि नहीं होगी, जितना वेट फोर्स नीचे लगेगा उतनी रिएक्शन अपर जनरेट होगी या नहीं होगी, होगी। तो एक दूसरी फ्रिक्शन फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन भी जनरेट होगी। ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। आप लिखना ढंग से, मैंने अलग अलग जगह पे लिख रहा हूं। फ्रिक्शन से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा और नॉर्मल रिएक्शन, दो चीज जनरेट होती है। फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस होता है और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है।
इसमें कहां पे ड्रॉ करूंगी? वन नंबर, टू नंबर या थ्री नंबर? गिव मी द आंसर प्लीज। टू नंबर। सही है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। हाँ, और एक फोर्स नीचे आएगा mg, यहां पे भी एक और एक फोर्स आएगा mg। अब इसमें mg कहां पे दिखाऊं मैं? ये वाला mg, ये वाला mg, दो में से कौन सा दिखाओ? चलो वन या टू mg के लिए। वन आएगा, डाउनवर्ड में लगता है, वेट फोर्स डाउनवर्ड में लगता है बेटा। अब मुझे दिखाओगे, ट्राई करोगे, ये सरफेस है, ऐसे सरफेस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा है। देखो ये हमारा बोर्ड है ना, बोर्ड, उस बोर्ड के ऊपर मैं यहां पे ये बोर्ड रख रहा हूं, मतलब ऐसे ये ऑब्जेक्ट को मैंने रखा। चलो अब मैं, अब इस मतलब बात ऐसे हुई, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता उसको, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, क्लियर। चलो अब है ना, मैं सबको बोलने के लिए ऑलवेज मौका दूंगा आपसे, आप है ना अनम्यूट हो जाना प्लीज। यस, गिव मी द आंसर प्लीज। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? Give me the answer. Gravitational force. कहां पे लगेगा? बोलो कहां पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? सर नॉर्मल रिएक्शन। कहां पे नॉर्मल रिएक्शन? आप बोलो। वॉल के अगेंस्ट। वॉल के अगेंस्ट कैसे ड्रॉ करो? ऐसे ऐसे ऊपर डाउन, ऐसे अपना हैंड, मतलब हाथ हिला के बताओ। इस तरफ। इस तरफ इसने बोला, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। क्यों नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ? गिव मी द आंसर प्लीज। सर वॉल से कांटेक्ट इस तरफ है ना, इसलिए उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या वॉल से ब्लॉक का कांटेक्ट वॉल के साथ ऐसे है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या बोलो? परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ओके, और कोई? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड, उधर पीछे। कहाँ दीदी, कहाँ? सर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पैरेलल टू सरफेस। बट कहाँ पे पैरेलल टू सरफेस? अपोजिट टू मोशन। तो पर वो एरो बोलो ना, ऐसे 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 अपवर्ड, ऊपर, अपवर्ड, अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलो परफेक्ट, इस साइड। ओके, और सर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। यस सर। अपना फेस ऑन करो, पहले फेस, वीडियो ऑन करो प्लीज। प्रिय खुशबू, खुशी, हार्वी, केशा, कल्पेश, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बस सुन ही रहे हो क्या?
क्या मैं मुरारी बापू की कथा कर रहा हूं क्या? मैत्री एक भी दिन आंसर दिया आप लोगों ने, यार ट्राई तो करो बेटा। इसमें मैं थोड़ी ना कोई दाढ़ मार रहा हूं यार, इतना कुछ सब पढ़ा रहा हूं क्या मैं? है खुशबू ये टप है क्या? ये क्या है? चलो मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, गिव मी द आंसर प्लीज। बाय बाय, मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ? चलो मुझे आंसर बोलो, मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको? लॉजिक बढ़ाने के लिए। टीचर का काम क्या है पता है खुशबू? गिव मी द आंसर प्लीज खुशबू, आप आंसर बोलोगे। टीचर का काम क्या है? हमें इम्प्रूव करना। क्या इम्प्रूव करना? हमारी स्किल्स, लॉजिक, टेक्निक, स्टडी। आपके माइंड को चलाना, आपका माइंड जहाँ बंद है ना वहां से स्टार्ट करवाना, आपको गाइड करना, बाकी सब कुछ आपको ही करना है। 100% एजुकेशन में टीचर का रोल 1% का होगा, याद रखना। 99% आपके ऊपर है एजुकेशन पूरा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको थिंकिंग के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आपको थिंकिंग ही नहीं कर रहा, बस ऐसे बैठे हो। क्या है यार ये? आप है ना, सब लोगों को बोल रहा हूँ, सब लोग क्या करना बताएं? आज चेकअप करने जाओ, सिटी स्कैन करवाओ। यार यहाँ पे माइंड है या यूरिनरी सिस्टम फिट कर दिया भगवान ने आपको? हाँ यहाँ पे माइंड है या यूरिनरी सिस्टम फिट किया, एक बार चेक कर लो आप लोग, क्योंकि आपके माइंड में कुछ सोचने की ताकत ही नहीं है। साइंस क्यों रखा आप लोगों ने? तो सपोज आप कुछ थिंक ही नहीं कर रहे हो तो साइंस क्यों रखा यार? रट्टा मारने के लिए रखा क्या ये? क्या 5 लाइन लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, ऐसा है क्या? कुछ भी बोलो, कुछ थोड़ा तो थिंक करो यार, थोड़ा। मैंने बोला अभी आप इतना साइड में देख के सोचो कि यार फ्रिक्शन फोर्स, सर ने बोला अपोजिट टू द मोशन पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे बताया। सर ने बोला नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे बताया। सर ने बोला एमजी डाउनवर्ड में लगेगा, तो ऐसे बताएंगे। एक बार ट्राई तो करो बेटा। चलो एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ऑब्जेक्ट अभी जो है वो इंक्लाइन में है। अभी कहां पे है? इंक्लाइन में है। अभी ये ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं। चलो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा? वेरी गुड अमन चौहान, डायरेक्शन बोलो। Opposite direction में लगेगा। ओके, मुझे direction दिखा के बताओ, ऐसे ऐसे। वेरी गुड अमन चौहान बोलो। mg फोर्स नीचे लगेगा ग्राउंड पे। ओके गुड, नॉर्मल परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर। सब लोग बोलो एक साथ, क्यों नहीं बोलते? क्लास में हम लोग पता है आंसर दे दो, सब लोग बोलने लगते एक साथ। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, बोलना स्टार्ट रखो अपना। मुझे आप अच्छा, वेरी गुड। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब डायरेक्शन तो वैसा बोलो, ऐसे सर, ऐसे ऐसे Yes. Okay. फ्रिक्शन की डायरेक्शन बोलो, और कोई? अब अच्छा नहीं, और कोई बोलो फ्रिक्शन की डायरेक्शन? ऑपोजिट साइड में फोर्स के। ब्रो ऐसे ऐसे बोलो, बोलो ऐसे ऐसे। कहाँ पे? डाउनवर्ड साइड। वेरी गुड, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, दोनों सही है। दो मत दिखाना, कोई एक ही चीज दिखाना। ओके okay? ऐसे मैंने दिखा दिया पैरेलल टू द, और वेट फोर्स रहा है नीचे लगे। जस्ट अ मिनट, खुशी सोनी गिव मी द आंसर। अर्विशा
सर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अभी अभी आपके शाह आपको पता चल गया आपका तो क्लियर है मुझे मालूम है हार्वी शाह और खुशी सोनी गिव मी द आंसर प्लीज ये जो नहीं बोल रहे ना उनके लिए बात है ये कुछ नहीं बोलेंगे कोई लोग अब बोलो कैसा एमजी की डायरेक्शन कौन सी होगी डाउनवर्ड डाउनवर्ड याद करो सेकेंड लो जब हम लोगों ने पढ़ाना तब हम लोगों ने बहुत सारा थिंकिंग किया था उस थिंकिंग से हम लोग हमारे एग्जाम्पल बहुत ही आसान हो गए हमारे टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा अब मुझे ये बताओ कि आज आप लोग सब लोग बता दो कि आप लोगों ने थर्ड पढ़ा फोर्थ पढ़ा फिफ्थ पढ़ा आपको कौन सा आसान लेसन लग रहा है अभी आपको आसान लेसन ओके और कोई थर्ड ओके वेरी गुड टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको आसान कौन सा लगा अभी हम लोग जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं मैक्सिमम का आंसर यही है फिफ्थ वाला फिफ्थ मैं बता दूं मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ एक्चुअल में मैं बोलने जाऊं तो थर्ड सबसे आसान है एज पर साइंस लेवल जनरली बात करता हूँ फोर्थ उससे थोड़ा टफ है फिफ्थ उससे भी टफ है सोचो आपको उल्टा लगने लगा क्यों क्यों वाई आपको क्यों उल्टा लगने लगा फिफ्थ आपको आसान लगने लगा क्यों वेरी गुड अमन चौहान ने बहुत बढ़िया आंसर दिया कि सर मुझे अब इंटरेस्ट आया परफेक्ट है आपका आंसर और कोई वेरी गुड आपने गेम खेली है ना गेम उसमें लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री आता है बट अभी क्या है आपका एक लेवल बन गया एक थिंकिंग लेवल बन गया जब आप थर्ड पढ़ रहे थे ना तब आपका थिंकिंग लेवल इतना नहीं था अब फिफ्थ में जब आप आए ना तो आपका थिंकिंग रियल में बहुत ही ज्यादा हो गया है इसलिए आपको ये लेसन इजी लगने लगा है बेटा अब आप थर्ड और फोर्थ को रिवाइज करना बहुत ही आसान लगेगा पर थोड़ा सोच के रीड करना प्लीज आपके पास टाइम है अब आप रिविजन स्टार्ट कर देना टू थ्री फोर का अब अभी नेक्स्ट वीक में अनाउंसमेंट होगा सभी का टेस्ट कंबाइन आएगा रिवीजन स्टार्ट कर देना तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए देखो आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखे बट एक एक बात क्या है ऑलवेज कि हम लोग कल से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के सबके बट उसी में जब तक आपका थिंकिंग ये क्लियर नहीं होगा ना कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में कैसे क्यों लगता है तो आप उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे अभी क्या होगा सर दौर करेंगे सर काउंट करेंगे सर को आएगा बस आप लोग हाँ हाँ बोलते रहोगे आपका आंसर क्लियर ही नहीं होगा उसके बाद क्लियर इसलिए साथ में रहो क्लियर वेरी गुड स्क्रीन शॉट निकालो चलो अभी थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं हुआ आज और कल दो दिन हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे सबकी नोट बनी हुई चाहिए ओके याद रखना अब मैं गोधरा में हूं हालत खराब करूंगा कल रात को 11 बजे घर से आया हूं 11 बजे तक विजिट ली है मैंने नोट्स रेडी रखना मुझे कुछ नहीं चाहिए ज्यादा मुझे अपनी नोट्स चाहिए ये आप अनम्यूट क्यों हो रहे हो चलो अब नोट डाउन करना अब मेरा पोर्शन क्या है यहां पे ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं चलो मैंने अप्लाई किया फिर 1 न्यूटन इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है हमारे फोर्स के ऊपर या सरफेस के ऊपर गिव मी द आंसर प्लीज
हमारे फोर्स के ऊपर या सरफेस के ऊपर? सरफेस। हमने अप्लाई किया इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स लगा, नहीं वो तो था ही पहले से यार, वो जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तब ऑब्वियसली होगा ही, हम देंगे या नहीं देंगे उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी है, बट हम लोगों को मोशन करवाना है तो उसका अपोज करना पड़ेगा। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 50 N एज पर द सरफेस, अलग अलग सरफेस होती है उसके हिसाब से 50 N। चलो मैंने 1 N अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं आएगा? गिव मी द आंसर। नो, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, सही है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? गिव मी द आंसर। लगेगा। रुसेलिया सोचना पड़ेगा जेरेबली बेंस के लिए, एडवांस में नहीं होगा ऐसा, बट ये सोचना पड़ेगा। सबको बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले को नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा सर? लगेगा 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 लगेगा। कोई नहीं लगेगा में है? ऑब्जेक्ट स्टेबल है, लगेगा। चलो कितना न्यूटन लगेगा? 50 या 50 से ज्यादा या 50 से कम? बोलो बेटा। मैंने 1 N अप्लाई किया तो 50 N लगेगा, 50 से कम लगेगा, 50 से ज्यादा लगेगा? सर 50 से कम। इसे कम मतलब कितना लगेगा? 49। विधि अरवानी आप अनम्यूट हो जाओ प्लीज, आपने बोला 49, प्लीज अनम्यूट हो जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं 1 N ऐसे अप्लाई करूंगा तो सामने 49 N मुझे सामने से मिलेगा, तो 1 ऐसे 49 ऐसे, टोटल रिजल्टेंट कितना हुआ? 48 N। रिजल्टेंट फोर्स लगा, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होता है तब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या नहीं आता? गिव मी दिस आंसर। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगता है तब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है या नहीं आता है? गिव मी द आंसर। मुझे विधि अरवानी आपका आंसर चाहिए। विधि अरवानी, चलो आप सब लोगों ने बोल दिया मतलब आता है। 49 N से ऑब्जेक्ट तो ऐसा हुआ ना कि ऑब्जेक्ट हमारे 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 ऊपर आएगा। इज दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है क्या? अभी हम लोगों ने तो बोला ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो कैसे 49 N लगा? ऑब्जेक्ट स्टेबल है मतलब क्या? Give me the answer please. Object stable है मतलब क्या? Resultant force zero. Very good. Resultant force zero. Resultant force zero. Object motion में नहीं है, यही answer है। तो मैंने 1 N apply किया तो resultant force क्या होगा? Zero हुआ या नहीं हुआ? Zero होगा। कैसे zero होगा? मैंने तो 1 N लिखा है यहाँ पे। कैसे जीरो होगा सर? फ्रिक्शन सिर्फ 1 ही न्यूटन फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स 1 ही 1 N का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बच्चे लोग, उस टाइम पे फ्रिक्शन 1 N का ही लगेगा। मतलब मैंने फोर्स 1 N का दिया है तो फ्रिक्शन सामने 1 N का ही लगेगा। अब रिजल्टेंट फोर्स जीरो मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल है। चलो 2 N, गिव मी द आंसर प्लीज। फ्रिक्शन फोर्स कितना? 2 N। टू न्यूटन से ऑब्जेक्ट मोशन में या स्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। फ्रिक्शन फोर्स कितना? 2 N। जीरो। जीरो। वेरी गुड। चलो मैंने अप्लाई किया 40 N। फ्रिक्शनल फोर्स 40 N। फ्रिक्शन 40। फ्रिक्शनल फोर्स स्टेबल होगा, ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। चलो 50 N।
ऑब्जेक्ट्स टेबल टेबल ऑब्जेक्ट्स टेबल ऑब्जेक्ट्स टेबल सही है सर. ऑब्जेक्ट मोशन 50 न्यूटन से मोशन में नहीं आएगा बेटा. अभी 50 माइनस 50 जीरो हुआ. अब 51 मोशन में आएगा. टन में मोशन में होगा. मोशन में आएगा. मोशन में होगा. फ्रिक्शन फोर्स कितना? 1 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स कितना? 50 होगा. 50 न्यूटन. मैक्सिमम 50 लग रहा है. रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन होगा. चलो अब ऑब्जेक्ट मोशन में है. मैंने 53 न्यूटन अप्लाई किया, 54 न्यूटन अप्लाई किया. अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सर. लगेगा सर. लगेगा. चलो इससे क्या पता चला? ये हम लोगों ने जो पढ़ा उससे क्या पता चला आपको? थोड़ा ना सोच के आंसर दो. सारा केसेस मैंने पढ़ाया 1 न्यूटन से लेके 55 न्यूटन तक, क्या पता चला? सरफेस को मोशन में लाने के लिए फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सरफेस में से मोशन में लाने के लिए फ्रिक्शन को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. मतलब जब भी हम लोग कभी भी कंडीशन आएगी एग्जांपल में कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर 50 न्यूटन अप्लाई किया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि हमारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है या नहीं है. फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेशन मिलेगा, अदरवाइज कोई काउंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. Is that clear? Yes या no? Yes. Yes sir. Thinking word नहीं है. मतलब जब example आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा. अब ऐसा लिखा होगा कि frictionless surface तो कोई बात नहीं है, हमारे अगले वाले example कर लो. But अब frictionless surface नहीं बोली है, मतलब वो friction count करना है. मतलब जब हम लोग force apply करेंगे तब हम लोगों को चेक करना होगा कि उसका मैक्सिमम फोर्स, वो हम लोग देख लेंगे कैसे मैक्सिमम फोर्स काउंट होता है. वो उसका भी कैलकुलेशन आएगा अभी. उससे हमारा फोर्स ज्यादा है या नहीं है वो चेक करेंगे. चलो सेकंड कंडीशन. सेकंड क्या पता चला आपको? फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड है. फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड है. जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, रिजल्ट ऑन फोर्स मिलेगा. मुझे ना फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए. इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ? आपने जब 1 न्यूटन से लेके 55 न्यूटन तक, अब वो तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, मोशन का अपोजिट करेगा. वो तो हर एक केस में होगा. और बोलो. मैं ही खड़ा रहूंगा आराम से, मुझे भी कुछ काम नहीं आज. 1 न्यूटन अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट स्टेबल हुआ, फ्रिक्शन फोर्स 1 था. 2 अप्लाई किया, 3 अप्लाई किया, 50 अप्लाई किया, 51 किया, 52 किया, 53 किया. कुछ कुछ ना कुछ आपके माइंड में आना चाहिए क्या क्या हुआ. सर अगर ऑब्जेक्ट का फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा. तो हो गया डिस्कशन. अभी यहाँ पे दो तरीके का फ्रिक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या सर? जब ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब मोशन में होगा तब भी फ्रिक्शन फोर्स. परफेक्ट आंसर है. ऑब्जेक्ट मोशन में है तब भी फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट स्टेबल है तब भी फ्रिक्शन है. बेटा दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन है. ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी फ्रिक्शन लगे. देखो ये उसका मैक्सिमम फोर्स है. व्हेन आवर फोर्स, दिस इज आवर फोर्स एंड दिस इज मैक्सिमम फोर्स. जब हमारा फोर्स इससे कम होगा या इक्वल होगा तब ऑब्जेक्ट स्टेबल रहता है. इसलिए हम लोग इस फ्रिक्शन का नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन.
जब हमारा फोर्स इस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा तब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, तब भी फ्रिक्शन तो लगेगा ही बट मोशन होगा, इसलिए हम लोग इसको काइनेटिक बोलेंगे। मुझे ये बता दो, यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फ्रिक्शन, अरे फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का। तो देखो मैंने पहले फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया, 150 तक सेम रहता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहां तक। इस फ्रिक्शन का नाम देंगे मैक्सिमम, तब तक डायरेक्टली डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा, मतलब मोशन में आ गया मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगा या ज्यादा होगा, गिव मी द आंसर प्लीज, फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा मोशन में आने के बाद? कम होगा, मतलब कम होगा, उसके बाद कॉन्स्टेंट होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए बता रहा है, मैंने 1 किया तो सामने 1 मिला, 2 किया 2 मिला, 3 किया 3 मिला, 50 किया 50 मिला, उसके बाद कम होगा। वेरी गुड। दूसरी बात आप लोग देख लो प्लीज कि जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा ना बेटा, वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस के ऊपर डिपेंड है, फिर वो भी सरफेस के ऊपर डिपेंड है। तो ऑलवेज जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होता है। तो उसमें भी दो कंडीशन आएगी, स्टेबल कंडीशन और मोशनेबल कंडीशन। तो प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करते हैं तो कुछ कॉन्स्टेंट लगता है, इस कॉन्स्टेंट का नाम देंगे हम लोग म्यू एस, और यहां पे देंगे हम लोग म्यू के, म्यू एस का नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस बाय इसका नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ एफ के बाय एन, क्योंकि सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है, याद रखिए। क्लियर? टेक्स्ट बुक में उसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ 0. स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ 0.001 तक हो सकता है, 0.1 से, क्लियर? ऐसा कुछ लिखा है, उतनी वैल्यू होती है मैक्सिमम सरफेस की। मुझे एक दूसरा आंसर दे दो कि अभी यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिला कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका यूनिट क्या होगा? गिव मी द आंसर प्लीज। इसका यूनिट क्या होगा? विवन आप लिख रहे हो तो बोलो ना एक बार, उससे क्या दिक्कत आएगी? सर न्यूटन। ओके और कोई? न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड। और कोई? सबको सोचने का टाइम दे रहा हो, कैसे सोचते हो यार? सर न्यूटन। न्यूटन वेरी गुड। और किलोग्राम मीटर पर न्यूटन। और सर जूल। वेरी गुड। और अभी तक किसी का सही नहीं है इसलिए तो और कर रहा हूँ। नो यूनिट। क्या क्या विधि? बोलो बाकी लोग बेटा बोलो। कूलम। कूलम कैसे सोचते हो यार? आपको यहाँ न्यूटन, न्यूटन न्यूटन पर न्यूटन है तो कोई भी यूनिट नहीं होगा। सही है विधि, परफेक्ट बोला उसने।
अब कहां सोच रही है, यहां सोचो ना फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन वो है क्या, वो फोर्स ही है ना। कोई फोर्स ही नहीं है, यूनिटी नहीं होगा, यूनिटलेस। प्लीज अपना माइक बंद करो, काम होने के बाद, खत्म होने के बाद। नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, चेक करके लिखो सब लोग, नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट क्या है। सही है, क्लियर। तो चलो सबसे पहले गिव मी द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। चलो आज का लेक्चर का एंड ऑफ द सेशन में हमारा डिस्कशन खत्म करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, गिव मी द आंसर प्लीज। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी, फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से क्या जनरेट होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब आप कैसा नहीं बोलोगे दूसरे किसी को, हम लोग आप सर ट्राई करने के लिए देंगे। फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन दे दो। फोर्स ऑपोजिट टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट एंड पैरेलल एंड टू द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस दो चीज होगी, क्लियर। पैरेलल टू द सरफेस, अपोजिट टू द मोशन एंड पैरेलल टू द सरफेस। चलो सेकंड जनरेट होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन दो, गिव मी द आंसर प्लीज। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 110% बढ़ेगी, राइट। एमजी फोर्स है वो डाउनवर्ड में लगेगा, वो भी क्लियर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टू टाइप्स, स्टैटिक, टू टाइप्स, व्हिच वन, स्टैटिक स्टैटिक एंड काइनेटिक, काइनेटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड काइनेटिक, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेबल ऑब्जेक्ट, स्टेबल ऑब्जेक्ट्स, और कोई फ्रिक्शन ग्रेटर देन मैक्सिमम, फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, रिजल्टेंट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, बट अप्लाइड फोर्स इज, फोर्स इज स्मॉलर देन फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बोला। इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे, लिमिटिंग भी बोलेंगे। वहां तक लिमिट आई, उसके बाद मोशन में आया, उससे कम होगा तो स्टैटिक और उससे ज्यादा होगा तो काइनेटिक, काइनेटिक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो था मिला हम लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होगा म्यू का, एफ एस अपॉन एन, एफ एस अपॉन एफ, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सबको मालूम है ना कंसेप्ट, हुआ क्लियर? यस सर। ओके चलो स्क्रीनशॉट निकाल दो, आप लोग बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो सब लोग, रियल बहुत ही। फ्यूचर में सब लोग डॉक्टर बनोगे, सब लोग अच्छी अच्छी कॉलेज में इंजीनियरिंग करोगे, कुछ नॉलेज के साथ। किसी का परसेंटेज 90 भी आता है, किसी का 70% आता है, पर दोनों में फर्क रहता है। फ्यूचर में 70 वाला भी कहां पे चला जाता है, बट उसका लेवल क्या है, सोचने का लेवल क्या है, उसका थिंकिंग पावर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। चलो आज बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने बेटा कर लिया, उसके आगे अभी नहीं पढ़ाना है क्योंकि अभी आपके ऊपर से जाएगा। तो कल हम लोग एक बार दूसरी बार फ्रिक्शन को और थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, और जो भी कुछ बात करनी है
क्लियर। अब तो कल है ना मुझे एक एक दो चीज चाहिए, कल आप अपने हिसाब से ट्राई करके आना, फायदा क्या क्या है और गैर फायदा क्या क्या फ्रिक्शन का, फायदा क्या क्या है गैर फायदा क्या क्या है। फिर आपके लिए होमवर्क क्या है, सब लोग जो लोग जेडब्ल्यू नीट की प्योर प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए फिंगर टिप्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, दिशा भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मैंने एक असाइनमेंट अपने प्लाज्मा ऐप पे रखा है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए, और जो लोग मंडे बेसिक मतलब ट्यूसडे बेसिक का टेस्ट देने वाले हो, सब लोग देने वाले हैं क्योंकि नीट का टेस्ट है ही नहीं, क्लियर, वो भी कंसेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज रात को हम लोग 9 बजे मिलेंगे, रात को हम लोग 9 बजे मिलेंगे डाउट सेशन के लिए।